अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुवैत से कोई खबर या कोई न्यूज़ आपको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो आपको बोलता हूँ भाई कोई भी आपके सवाल हो कुवैत को रिलेटेड, कुवैत के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ भाइयों का सवालों का मैं उठाया हूँ, उन्हीं का मैं जवाब दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी मुकम्मल जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले एक भाई का सवाल है, भाई का नाम है निसार शेख। भाई पूछते हैं, हम लोग एग्रीमेंट में दो साल से पहले क्या हम लोग वापस मिल सकता है, यानी रिलीज़ मिल सकता है? तो भाई आपको बता दूं, यदि आपने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि आपने कुवैत में काम करने के लिए गए हो और उससे पहले यदि आप आना चाहते हो तो दोस्तों बहुत सारे सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि कुवैत में आप गए होगे तो उस टाइम क्या होगा कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करती है कुवैत कंपनी जो है आपको फ़्लाइट की टिकट देती है आपको। दोस्तों आप जो वहाँ पर 2 साल काम करते हो तो लगभग वहाँ पर 1 से 2 महीने के आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। तो जो भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी जाती है वो सभी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, वो सभी आपको पेमेंट करके वहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी फ्लाइट की टिकट आपको लेना पड़ेगा। पर और दोस्तों 2 साल से पहले भी जाना भी चाहते हो तो बहुत सारे फाइन भी आप पे लगाया जाता है, क्योंकि कंपनी आपको लाने में जो भी खर्च करती है और उससे पहले यदि आप चले जाते हो तो वो खर्च आपको देना पड़ता है। और यदि कोई बड़ा रीज़न आपको है तो बड़ा रीज़न आप शो करके आप जा सकते हो, जाने को मिल जाता है। पर यदि पूरी तरह से कंपनी को ही आप छोड़ के जाना चाहते हो तो उसमें थोड़ी दिक्कतें होंगी, जा सकते हो पर उसमें काफ़ी दिक्कतें आपको हो सकती है। अगले भाई का सवाल का है, भाई का नाम है शेख मस्तान। भाई पूछते हैं, 60 साल वालों का इकामा और हेल्थ के प्लीज़ क्या हुआ? भाई आप अच्छी खबर देते हो, थैंक्स। भाई बता दूं आपको, आपका जो इकामा है यदि आप 60 साल या 60 साल के आप अगर ज़्यादा हो चुका है तो आपका इकामा जो है वो रेन्यूअल हो जाएगा, पर बशर्ते आपको 250 कुवैती दिनार का आपको हेल्थ इंश्योरेंस का नाम करवाना पड़ेगा पर ईयर। तो यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको आपका इकामा को फिर से रेन्यूअल कर दिया जाएगा, पर 250 कुवैती दिनार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बिना आपको कोई उपाय नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, यदि गवर्नमेंट कोई बड़े सेक्टर में काम कर रहे हो तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं रह पाओगे, आपका जो आपका जो इम्प्लॉय है वो चेंज कर देगा आपको प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सब सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा तभी आप कुवैत में रह पाओगे। अगले भाई का सवाल है, भाई पूछते हैं एमडी तनवीर। भाई पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई पूछते हैं, रमज़ान सहरी का रफ्त और अफ्तार का वक्त का टाइम अपडेट कीजिए। भाई मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ लगभग 2 से 3 दिन पहले, एक बार जाके आप चेक कर लीजिए। मैं पूरा 300 दिन का कब अफ्तार होगा, कब सहरी होगा, सारा टाइमिंग, कौन सा अजान कब होगा, सारे डिटेल मैं आपको इस पर बता चुका हूँ, एक बार जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगली बहन का सवाल है, भाई बहन का नाम है सदफ रफीक। भाई पूछती हैं, भाई फैमिली वीज़ा कब तक ओपन होगा? मेरी बातें पाकिस्तान में 1-3 मंथ के प्लीज़ है, अगर हो कुछ बताइए। तो आपको बता दूं, फैमिली वीज़ा जो है पूरी तरह से चालू है, यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो अप्लाई कीजिए, आप तरीके से अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई करने में कुछ ना कुछ ज़रूर कोई मिस्टेक कर रही होंगी, इसीलिए आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। तो वीज़ा जो फैमिली वीज़ा है वो चालू हो चुका है, कब का चालू हो चुका है, बहुत दिन पहले ये चालू हो चुका है। अगले भाई, एक भाई का सवाल है, भाई इंडिया जाने के लिए छूट कब से मिलेगा? तो भाई इंडिया जाने के लिए छूट की अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ये छूट जो है वो निकल चुका था, मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा चुका था, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं गए थे, उनमें से आप भी जरूर शामिल हो गए। यदि आप इलीगल तरीके से कुवैत में रह रहे हो तो अभी इस पर कोई छूट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर जैसे ही कोई छूट का अनाउंसमेंट इस पर किया जाता है मैं इस पर वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत भाई लोग ऐसे हैं जो कि छूट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते दोस्तों ने स्टूडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।